के 1 बजे बारिश हो रही है, फिर से ठंड बढ़ गई। यही लग रहा था रात में बारिश होगी, सुबह बादल आ गए थे आसमान में। 2 घंटे पहले सोया था, मेरी अचानक से नींद खुली, बालकनी में देखा तो बारिश हो रही है। चलो फिर से सोने से जाता हूँ, फिर सुबह मिलूँगा। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी सो के उठाओ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और ठंड भी हो गई, थोड़ा सा आलस आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी 11 बज रहे हैं, एडिटिंग कर रहे तुम जल्दी से जल्दी क्योंकि 12 बजने वाले। और आज पहला लॉकडाउन है, पापा घर में, उनका मोबाइल में नेट है, उनसे मैं अपलोडिंग कर लूँगा, है ना। चलो बस अभी जल्दी जल्दी एडिटिंग करके और नाश्ता करके तैयार हो जाता हूँ, मुझे नानी के घर भी जाना है। तो गाइस लीक हो रहा है, बारिश हो रही है ना, सीलन आई, सीलन के बाद पानी टपकने लग गया, से गीला गीला सो गया पूरा रूम। बाहर बारिश हो रही है, अभी थोड़ा सा ठंड सा मौसम तो हो गया, चलो सही है। लॉकडाउन तो आज पहला है, बस लोग तो घूम रहे, लोग तो घूम तो रहे हैं। कीचड़ हो रहा है और बारिश भी हो रही है, जल्दी से जल्दी कूड़ा दे के आता हूँ। बहुत हो रहा है यहाँ से, वो सफाई वाला कूड़ा वहाँ दे आता हूँ। अभी मैं नाश्ते में खा रहा हूँ दूध और केले, बारिश तो बंद हो गई, चलो सही है। अब खुल भी गई और लोग भी घूम रहे बाहर, तो मैं भी घूम के आता हूँ फिर। कारण कितना पानी भरा हुआ है, अब कौन से जाना पड़ेगा। मेरा लॉकडाउन लगा है, तभी भी लोग घूम तो रहे बाहर। स्टेट कितना पानी भरा है यार, यहाँ से मैं जाऊँगा कैसे। मैं नाना नानी के घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में लाइट चली गई, मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हो रहा है, 10% बचा है बस, जल्दी से नाना नानी के घर जाके मोबाइल चार्ज करता हूँ। तो और बुला हार है, दूसरी गली से जा रहा हूँ, मेरे को इतना गली का तो पता नहीं, अब पता नहीं कौन सी गली से रास्ता मिलेगा मुझे घर जाने का। क्योंकि मैं मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, चार्ज किया मैं, फिर खाना खा के सो गया था क्योंकि रात को मैं 1 बजे उठा था, नींद मेरी पूरी हुई नहीं, इसलिए आज ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो बना नहीं, छोटा सा बना है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करता रहूँगा, अभी आज के लिए बस इतना ही, फैमिली गर्ल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।